नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं कूड़े का काम करती हूँ और मैं अपना गोदाम खोलना चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास मैं जानकारी लेने आई हूँ। मीनाक्षी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दरअसल हम 4-5 महिला हैं, कूड़े बीनने के अलावा हम ये चाहते हैं कि छटाई का काम भी सीख जाए, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। आपकी सोच बहुत अच्छी है, हम अतिरिक्त आमदनी से अपने परिवार की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना गोदाम खोलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले मीनाक्षी जी, अपना गोदाम खोलने के लिए हमें कूड़े की छटाई की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उससे पहले जो है अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे? हमें सुरक्षा के लिए मास्क, दस्ताने और गम्बूट की जरूरत पड़ेगी। मास्क, दस्ताने और गम्बूट की क्या जरूरत है? कूड़ा तो हम इनके बिना ही बीन लेते हैं। मीनाक्षी जी, कूड़े से निकलने वाले कई तरहों के गैसों से बचने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। गम्बूट हमारे पैरों को बचाता है, दस्ताने हमारे हाथों को खतरनाक कीटाणुओं से बचाते हैं। इसीलिए ये चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो छटाई का काम कौन कौन लोग कर सकते हैं? छटाई का काम 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, बूढ़े लोग, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं, ये सब कूड़े की छटाई नहीं कर सकते हैं। ओ, अब समझे, ये लोग आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कूड़े की छटाई में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? टूटा हुआ कांच, बल्ब, थर्मामीटर, इंजेक्शन इत्यादि सभी चीजों को सावधानी से छांटना चाहिए। इंजेक्शन से मुझे याद आया, इंजेक्शन की सुई का हमें क्या करना चाहिए? मीनाक्षी जी, इंजेक्शन का जो सुई होता है उसको हम गहरे गड्ढे में दबा देते हैं और दबाना चाहिए। छटाई कैसे की जाती है? देखिए, कूड़ा 3 तरह के होते हैं, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और जहरीला कूड़ा। और ये ईवेस्ट क्या होता है? बिजली से चलने वाले उपकरण जो खराब हो जाते हैं उसे हम ईवेस्ट कहते हैं। साधारण कूड़े में और ईवेस्ट में क्या अंतर है? साधारण कूड़े को रिसाइकलिंग करना आसान होता है, जबकि ई वेस्ट आधिकारिक कंपनियां ही कर सकती हैं। और ये रिसाइकिल क्या होता है? जैसे कि पुराने अखबार को कागज बनाने वाले फैक्ट्री में हम बेचते हैं, उसे दोबारा गलाकर फिर से कागज तैयार किया जाता है। तो क्या क्या चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं? जैसे कि कांच की चीजें, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, रबर, सूखी रोटी और हाँ, पन्नी जो कई तरीके की होती है उसे भी रिसाइकिल करते हैं। अगर छटाई सही से ना करी जाए तो उसका असर क्या हो सकता है? अगर छटाई सही तरीके से नहीं किया जाए तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा आपस में मिलके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो छटाई सही से ना हो तो वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है? वातावरण को ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे पानी को भी नुकसान पहुंचाता है। जब गीला कूड़ा सड़ता है तो उससे निकलने वाली लीच जमीन के पानी को भी जहरीला बनाती है। ओ, अब समझ में आया, नगर निगम वाले 2 डस्टबिन के डिब्बे क्यों अलग अलग रखते हैं? गीले कूड़े को अलग रखते, सूखे को अलग रखते हैं। देखो मीनाक्षी, हम लोग अपने शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि अपने घर का और ऑफिस का कूड़ा का सही तरीके से निपटारा करें। याद रखिए, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखिए, तभी हमारा देश स्वस्थ बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतु जी, आपकी बताई हुई बातों का ध्यान रखूंगी। जिम्मेदार शहरी बनिए, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखिए।